बिल्कुल, कोटा के वासियों ने जो निवासी जो है यहाँ, उन्होंने भरपूर सहयोग किया हमें, हमारे जो RAC ऑक्सीजन बनाने के लिए, तो मैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और मैं अपील भी करना चाह रहा हूँ सभी कोटा के सभी निवासियों को कि वो आए। अगला विजन क्या रहेगा आपका, क्या प्रयास रहेंगे ताकि इसको और बेहतर बनाया जा सके? सबसे पहले तो अपना यही रहेगा कि जो पौधे हमने लगाए हैं वो सुरक्षित रहे और वो बड़े होके यानी पेड़ में तब्दील हो, सबसे पहला तो उद्देश्य लक्ष्य यही है हमारा। मीडिया उस राजस्थान में हम आपका स्वागत करते हैं। इसमें मौजूद हैं RAC कमांडेड IPS राहुल कोटी जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनसे जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म यहाँ पर प्रदर्शित की गई है उसको लेकर, ऑक्सीजन और पुलिस पब्लिक संबंध को एक प्रदर्शित इस फिल्म में किया गया है उनको लेकर यहाँ पर कैसी प्रतिक्रिया इनकी रही है। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री फिल्म यहाँ पर दर्शाई गई है, किस प्रकार का संदेश पहुँचाएगी, किस प्रकार का? सबसे पहले तो मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि कैसे आमजन से जुड़कर पुलिस पुनीत कार्य कर सकते हैं, ये एक उदाहरण है। तो बेसिक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये यही है कि पुलिस और पब्लिक के जो बीच में पार्टनरशिप अगर पैदा हो, ये किस तरह के हम कार्य जो असफल से असफल जो हम सोचते हैं कि कभी असफल होगा उसको भी हम सफलता में बदलने के लिए जो कार्य किया है वो मैं दर्शाना चाह रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। क्या प्रयास रहेंगे ताकि इसको और बेहतर बनाया जा सके? सबसे पहले तो अपना यही रहेगा कि जो पौधे हमने लगाए हैं वो सुरक्षित रहे और वो बड़े होके यानी पेड़ में तब्दील हो, सबसे पहला तो उद्देश्य लक्ष्य यही है हमारा। और कोटा में भविष्य में ये एक ग्रीन जोन में विकसित हो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो सबसे पहले आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुँचे कि जो भी हमने जनता और पुलिस के बीच में जो सहयोग हो सकता है वो किस तरह से हुआ है यहाँ, ये हम दर्शाना चाह रहे हैं। इसके अलावा हमने YouTube में भी इसको वीडियो को अपलोड किया है, इसके अलावा Facebook पर भी हमने एक पेज क्रिएट किया है RAC में, इसमें भी ये जो वीडियो है ये डाला गया है। और सोशल मीडिया, WhatsApp और भी अन्य जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है उसके माध्यम से भी हमने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश की है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कोटावासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण हो और पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके? जी बिल्कुल, कोटा के वासियों ने जो निवासी जो है यहाँ, उन्होंने भरपूर सहयोग किया हमें। बेहतर बनाया जाए इसके लिए जो जवान हैं उनको एक बेहतर ट्रेनिंग प्रशिक्षण कि जो आप प्रशिक्षण दे रहे हैं उसको और किस प्रकार आप बेहतर बना रहे हैं, किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये ट्रेनिंग जो सिस्टम है वो और बेहतर हो और जवानों को एक सुरक्षित रूप यहाँ पर महसूस हो? जवानों की जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है ये निरंतर एक प्रक्रिया है, ये मेरे समय नहीं, जब से RAC स्थापित हुआ है तब से ये प्रोग्राम्स समय समय पर होता रहता है, इनका एक सिलेबस होता है तो उसकी हम पालना तो कर ही रहे, लेकिन हमने रूटीन के जो RAC का काम है जो लॉ एंड ऑर्डर संभालना, उसके हटके हमने जो ये प्लांटेशन का प्रोग्राम किया है वो मैं समझता हूँ कि अनोखी एक चीज़ है। वो हम कार्य जो है वो बहुत जनता के सहयोग से कर रहे हैं। ये थे हमारे बीच द्वितीय बटालियन के कमांडेंट IPS राहुल कोटोकी, जिनसे जाना कि पर्यावरण को लेकर जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई है वो एक पर्यावरण का संदेश देती हुई ऑक्सीजन को विकसित करने और आमजन को एक नए संदेश पहुंचाने जैसी है। कैमरामैन सुरेंद्र मेघवाल के साथ महाराम सांवरिया, मीडिया हाउस राजस्थान। हमारे बीच मौजूद हैं द्वितीय बटालियन के RPS पवन कुमार जी, उनसे जानेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म यहाँ प्रदर्शित की गई है वो किस प्रकार का संदेश आमजन को पहुँचाती है। जो डॉक्यूमेंट्री तैयार की है उसमें जो मुख्य संदेश है कि जो RAC ने कानून व्यवस्था से अलग हटकर सामाजिक सेवा और सामाजिक सरोकार के लिए जो कार्य किए हैं तो वो मैसेज जनता में देना चाहती है। और ये मैसेज देना चाहती है कि जनता के लिए हमेशा पुलिस तत्पर है और पुलिस को भी जब जनता की आवश्यकता होती है तो जनता भी पुलिस के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहती है। ऑक्सीजन इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। ऑक्सीजन विकसित करने में जब हमने जनता और सामाजिक संस्थाओं से निवेदन किया कि वो हमारे सहयोग के लिए आगे आए तो उनका पूरा सहयोग और पूरा आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ।
और आज इसी की बदौलत है कि हम ऑक्सीजन को विकसित करने में सफल हुए हैं। थ्रू दिस डॉक्यूमेंट्री आई लाइक टू प्रोजेक्ट वेरी पॉजिटिव इमेज फॉर द पुलिस इन जनरल एंड द आरएसी इन पर्टिकुलर, नॉट जस्ट हियर इन राजस्थान बट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंट्री। दिस डॉक्यूमेंट्री will also show how police and public participation, or rather police and public partnership, लाइट चला दो, लाइट चला।